नमस्कार। सो ये मैं वीडियो सुबह सुबह आपके लिए बना रहा हूँ संडे सुबह, क्योंकि कल एक बहुत गुड न्यूज़ आ गई है। डीजीएम की तरफ से लेटर आ गए हैं, तो मैं आपको ना दो साइटें पहले दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है। सो देखिए, 10 12 15 दिन पहले सुभारती के होम पेज पर ये लेटर आए थे, जो आप ऐसे काफ़ी लोग अब देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक डाउट आ गया, खासकर जब आपने एग्रीमेंट देखा ये वाला, जिसमें वो साफ आपसे पूछ रहे हैं कि हम फीस को लेके वो हैं, हम माइनॉरिटी बन चुके हैं। सुभारती ने कोर्ट ऑर्डर डाल रखा था 20 अक्टूबर का, जिसमें क्लियर था कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो फीस का मैटर है वो हमारे प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप और स्टेट गवर्नमेंट देख लेना। तो ये बड़ा इस सब लेटर इसे डाल दिए थे, और 4 जुलाई तक का लेटर डाल रखा था इसने कि भाई मैं अपनी सीट्स को कन्फर्म करता हूँ। और देखिए, ये लेटर वाकई ही डीजीएमई का लेटर था, जिसमें डीजीएमई ने क्लियरली उससे ये कहा था कि 100 सीटें सुभारती। इतनी से डीजीएमई लेटर, राइट? डीजीएमई आज ही मना नहीं कर रहा है कि मैंने आपसे कंफर्म करने को कहा था कि आपके पास कितनी सीटें हैं, और सुभारती ने जवाब दिया मेरे पास 100 सीटें हैं। यही तो सुभारती ने लेटर डाल रखा है। सो डीजीएमई ने भी महा बेवकूफ़ी करी है, क्लियरली ये लेटर लिखा और ये लेटर डीजीएमई का है, इसमें डीजीएमई मना नहीं करी, पर आज जब डीजीएमई लिखती है, सो डीजीएमई कहती है कि भाई हमने आपको लेटर भेजा था, उसके बाद हमने आपको एक रिप्लाई भी किया था, और वो रिप्लाई ये था कि आश्रम मेडिकल कॉलेज की संख्या को साबित करना इससे कदापि साबित नहीं होता कि हमने आपको अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान मान लिया। ये 17, वो कह रहे हैं कि ये 9 19 जुलाई का लेटर है, मतलब वो खुद ही इस बात को मानते हैं कि 1 जुलाई को लेटर हमने भेजा था, और 1 जुलाई का लेटर आप ये देख रहे हैं, मतलब कि डीजीएमई का लेटर है जो डीजीएमई ने इतना से हर कॉलेज को भेजा था, कि जिसमें डीजीएमई ने कहा था कि भाई क्या आप ये तो है ब्रोशर हो गया, राइट? मतलब डीजीएमई ने इनसे पूछा था, तो सुभारती का ये कहना है कि भाई ये लेटर तो आपने हमको भेजा था, और इस लेटर को आप जिसमें आपने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितनी सीटें हैं, मैंने बोला हाँ बिल्कुल मेरी इस समय 100 माइनॉरिटी हैं और 100 मेरी नॉर्मल है, क्योंकि आपने लिखा हुआ था सुभारती 100 माइनॉरिटी, सुभारती 100 रेगुलर। देखिए, उसके बाद डीजीएमई का 19 जुलाई का लेटर एक तरह से गायब कर दिया गया सुभारती के द्वारा, या डीजीएमई खुद बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या करा डीजीएमई ने। और डीजीएमई का ये कहना है कि भाई उसके बाद जो 19 जुलाई का लेटर था वो तो आपने देखा ही नहीं है, जिस लेटर में हमने बड़ा क्लियरली कर दिए बोल दिया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और हम आपको सुभारती हम आपको माइनॉरिटी नहीं मान रहे, मतलब आपसे माइनॉरिटी सीट्स कन्फर्म करवाई है आपने उससे, लेकिन हम आपको माइनॉरिटी मान नहीं रहे। ये जो अभी कल जो डीजीएमई ने लेटर भेजे हैं, करेक्ट, ये डीजीएमई का 15 पेज का लेटर, और उन्होंने ये कहा है कि हमने 5 अगस्त को आपको लेटर लिख आज लिखा है, ये एनेक्चर होते हैं तो हिंदी में लिखते हैं ना, हर चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार, शायद आप में से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होगी समझने में, कि भाई हम बड़ा क्लियर कर दिया कि हमने आपको 19 जुलाई 2 अगस्त को भी लेटर लिखे हैं, जिसमें हमने क्लियरली कर दिया कि आपको उतनी फीस लेनी है और आप माइनॉरिटी हो ही नहीं। पर देखिए, आप समझ रहे हैं कि हम तो डीजीएमई का लेटर देख रहा, हमने जो छपा हुआ है अभी डीजीएमई का 19 जुलाई का लेटर तो कहीं छपा नहीं था, जो आज ये दिखा रहे हैं कि ये साबित नहीं होता कहीं पर भी कि तो माइनॉरिटी हो, जो ये इनका लेटर है 19 जुलाई का, ये लेटर तो दुनिया में कहीं नहीं उन्होंने लिखा हुआ था, किंजल सिंह जी ने साइन करा हुआ है। अब उसके बाद 100 100 सीटें हैं, सुभारती ने क्लियरली फिर लिखा कि भाई अपने आपने उसमें कि मल्टी में तो 1 करोड़ की फीस चलती है, भाई हमने लोगों को अपने बच्चों को बता भी दिया, वॉर्न कर दिया, गाइड कर दिया। अब इसके बाद चॉइस फिलिंग का टाइम आता है। हाँ, उससे पहले बिल्कुल जब फाइनल ब्रोशर आया यूपी का इन लेटर्स के बाद, उसमें सुभारती की 200 की 200 सीटें नॉर्मल तरीके से लिखी हुई थी, उसमें मल्टी का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, मतलब लेटर में ये नहीं लिखा हुआ था कि माइनॉरिटी कॉलेज। तो अगर आप ब्रोशर देखें सो देखेंगे कि कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप माइनॉरिटी हैं। ओके, तो बिल्कुल बात सच है। ये ब्रोशर दिया इन्होंने, और इस ब्रोशर में, क्योंकि ब्रोशर आप जानते हैं आता भी 3 दिन पहले ही है, और इसमें कंफ्यूज थे हम, लेकिन ठीक है भाई, यही सोचा कि शायद इनसे मिस हो गया होगा, क्योंकि तो इसमें उस लेटर के बाद इनको वो
शब्द के नाम क्या गया, माइनॉरिटी वर्ड नहीं लिखा हुआ था शुभार्थी के। फिर चॉइस फिलिंग आती है, चॉइस फिलिंग में शुभार्थी नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है, शुभार्थी माइनॉरिटी की चॉइस फिलिंग नहीं कराई जाती है। अब नॉर्मल नॉर्मल सीट में फिर से लगा हमें कि शायद माइनॉरिटी की सीटें भी रोक दी गई हैं, पता नहीं पीछे से क्या चल रहा है कि ब्रोशर में नहीं था, फीस में नहीं था, तो क्या पता फिर से कुछ पंगा हो रहा हो, राउंड टू में आएंगी जैसे लास्ट ईयर आई थी 2022 में, अब समझ रहे हैं। पर हमें तो ये नहीं पता चलता ना चॉइस फिलिंग करते समय कि कितनी सीटों के लिए हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट आई है कल, तो हमें शायद सबको तब पता चला कि जब 200 सीटों को एलोकेट कर दिया गया, तो शायद हमको और पूरी दुनिया को पता चला कि शुभार्थी में तो पूरे 200 अलॉटमेंट हो गए हैं, और 43,000 से भी स्टार्ट किया और नीचे भी चले गए लोग। उसकी वजह यही थी कि जिन्होंने शायद सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सुन ली थी, उनको लगा कि भाई 1 करोड़ रुपया तो हम शुभार्थी के लिए क्यों दें, तो इसी वजह से शुभार्थी कट ऑफ रिलेटिवली 3,21,000 रैंक और तो 450 नंबर भी गिर गई। और फॉरगेट अबाउट गुड टॉप कॉलेजेस, यूनाइटेड प्रयागराज, नोएडा इंटरनेशनल, सब शुभार्थी ऊपर चले गए। अब शुभार्थी ने कल रात को लेटर निकाल दिया DGME ने कि आप चिंता ना कीजिए और शुभार्थी माइनॉरिटी नहीं है और शुभार्थी को नॉर्मल फीस लेनी है। तो देखिए जिनको सीट मिल गई है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपसे शायद शुभार्थी बॉन्ड अप साइन नहीं कराएगा, आप जाके रिपोर्ट कर लीजिए। पता देखिए इतना कन्फ्यूजन था, बल्कि कल सब सब लोग रो रहे थे जो मुझे फ़ोन आ रहे थे कि सर 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, सब 2 लाख के नुकसान को लेकर चिंतित थे। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी, आप आराम से एडमिशन ले लीजिए। और शायद वो लोग जिन्होंने सारी खबरें पढ़ी थी, तो शायद आप वो लोग भी कह सकते हैं कि हमने तो सारी न्यूज़ व्यूज़ सुन सुन के पढ़ पढ़ के शुभार्थी नहीं भरा था, उनका शायद नुकसान हो गया कि आपको शुभार्थी मिल सकता था, लेकिन आप यूनाइटेड प्रयागराज या आप नोएडा इंटरनेशनल सर फतेहापुर जा रहे हैं, जो आप जबकि आप शुभार्थी जा सकते थे, तो उनका नुकसान हो गया। मतलब दे आर गेटिंग लेसर कॉलेज देन बट दे कुड हैव गॉट, और जो शुभार्थी जाने वाले थे शायद उनका बहुत बड़ा फायदा ही, उनके 25 से 30 लाख रुपए बच गए। ये है समरी सुबह सुबह की। तो जिनको शुभार्थी मिला है आप एलो की आप रिपोर्ट कर लीजिए एज पर दिस लेटेस्ट लेटर, और अपनी तरफ से इंश्योर कीजिए कि आप बॉन्ड साइन ना कीजिए। तो DGME की वेबसाइट का बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है, इसके रेफरेंस के साथ आप शुभार्थी जा सकते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। और हमसे संपर्क करना चाहें, हमसे मिलना चाहें, आप जानती हैं हमारा नंबर 9643362320 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, फ़ोन की या मिलने की। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, 2,500 रुपये फ़ोन पे बात करने के, 5,000 रुपये मिलने के, और ये वन टाइम चार्ज है, ये पूरी काउंसलिंग का चार्ज नहीं है। 5,000 रुपये में कोई आपकी फुल काउंसलिंग नहीं करा रहा, वो तो 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हमारा प्राइस जाता है, लुकिंग एट योर मार्क्स एंड द एक्सपेक्टेशन एंड द वर्क दैट वी आर सपोज टू डू। तो उस चीज़ को, क्योंकि कल भी एक बच्चे का फोन आया बेचारे का, सब उससे पहले 5,000 भेज दिए, आज वो हापुड़ से आ रहा था, फिर वो कहता है सर ऐसे उसको मैसेज आता है सर आप सब कुछ फॉर्म भी आप भरा करोगे ना 5,000 रुपये में। मैं कहीं 5,000 रुपये खाली आज ही मीटिंग की है, मिसकम्युनिकेशन थी, हमने तुरंत जीपे से जहाँ से आए थे वहीं वापस भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ताकि ये कन्फ्यूजन भी आपको ना हो, 2,500-5,000 रुपये में कोई नहीं करता काम। और मैं हैरान होता हूँ कि जो खासकर मेरे इन वीडियोस को सुन रहे हैं, आप खुद डॉक्टर बनने वाले हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, साल के 20 लाख खर्च करने वाले हैं, जब आप कल को कमाओगे, आप 1 घंटे में अगर 10 पेशेंट देखोगे, आप 1 घंटे में 10,000 रुपये कमाओगे एज ए डॉक्टर, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सच एन एक्सपीरियंस काउंसलर लाइक मी वो आपसे 5,000 रुपये में अभी पूरी काउंसलिंग करेगा। तो जो कर रहे हैं वो जैसे डॉक्टरी भाषा में समझो तो जो झोला छाप डॉक्टर होंगे, या जो विड्डूरी कार्ड्स, जो RMP बैठे हुए मार्केट में पुराने, या भाई जो 50 रुपये लेके आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं, पर क्या एक MBBS MD आपको 100 रुपये में देखता है, वो 1,000-1,500 रुपये लेते हैं ना 5 मिनट के देखने के। सो विवेक सर भी सिर्फ MBBS एजेंट नहीं है, हम MBBS काउंसलर नहीं, हम करियर काउंसलर हैं। तो हमारे पास जो 1 घंटे के लिए आता है वो बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ समझ के जाता है। तो हमने अपना प्राइस उसी तरीके से रखा हुआ है जैसे कि MD चार्ज करेगा, जब आप MD बन जाओगे तो भी आप 1 घंटे में कम से कम या 1.5 घंटे में कम से कम 5,000 रुपये कमाओगे, अगर आप सारा जोड़ लोगे तो सब कहीं ज़्यादा ही कमाओगे। मरे से मर 1,000 रुपये भी लोगे तो 1.5 घंटे में 10 पेशेंट देखोगे तो 10,000 रुपये कमाओगे, हम तो उसका आधा ले रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों का समझिए। और मैं बार बार क्या बोलूँ, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि
एक एक करोड़ के पैकेज आप लेते हो प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन कौन सा कॉलेज सही है आपके लिए, ये जानकारी लेने के लिए, प्रोसेस को ढंग से फॉलो करने के लिए, रेगुलर इंटरेक्शन करने के लिए, 50,000 रुपये देने में हमको बहुत कष्ट होता है, लेकिन वहाँ 1 करोड़ रुपये देने में हमें कोई कष्ट नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपका दिमाग, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि बेकार के आप भी फ़ोन ना कीजिए। ओके, और ये इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे चैनल पे, आप सुनते रहिए, ये आपके लिए फ्री चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस अपने आप मिलते रहें, ठीक है? पर कॉल तभी कीजिए जब आप चार्जेस देने को तैयार हो। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।